तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। मौलाना तौकीर रजा ने किया दावा, बोले मोदी अमित शाह जल्द अपना सकते हैं इस्लाम धर्म, हिंदू संगठनों को लग सकता है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी की अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे हजारों ट्रैक्टर, राकेश टिकैत ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनाया विवादित फैसला, कहा 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से कर सकती है शादी, नहीं रोक सकता कोई भी मुसलमान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अग्निपथ योजना को लेकर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जब 4 साल के बाद ये रिटायर होंगे तो बन सकते हैं आतंकवादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी आज फिर से करेगी पूछताछ, कांग्रेस विरोध करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी को बड़ा झटका, जेडीयू बीजेपी का टूट सकता है, बिहार में गठबंधन गिर सकती है सरकार कभी भी, तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और मोदी पर बोला हमला, कहा जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी मोदी भी भारत में हार जाएंगे चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदुओं को झटका देकर मोदी अमित शाह अपनाएंगे इस्लाम धर्म, मौलाना तौकीर रजा ने किया दावा। ये दोस्तों आपको बता दें कि बरेली में रविवार को इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को दोहराया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्लाम समझने के लिए कलमा पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस्लाम अपना लेना चाहिए। इस्लामिया ग्राउंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि इस वक्त देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात वह पूरी दुनिया को बताएंगे। इस मौके पर मैदान में भारी भीड़ भी उमली। बरेली जिला प्रशासन ने शुक्रवार देर रात IMC मुखिया मौलाना तौकीर रजा को रविवार को प्रदर्शन की सशर्त अनुमति दी थी। जारी अनुमति पत्र में इस्लामिया ग्राउंड पर अधिकतम 1500 लोगों के समर्थन की अनुमति दी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा ने ये बड़ी बातें कही, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली कूच करेंगे 1000 ट्रैक्टर, राकेश टिकैत ने किया देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान, मोदी अमित शाह को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अग्निपथ सेना भर्ती योजना के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली की तरफ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर कूच कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सोमवार सुबह सील किया जा सकता है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अप्सरा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने हाई लेवल मीटिंग की है। दिल्ली पुलिस के ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि बड़ी तादाद में अग्निपथ सेना भर्ती के विरोध की आड़ में ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के विरोध में सोशल मीडिया पर 20 जून यानी सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसमें कई संगठनों ने अपील की थी। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को सेना भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए एक देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। टिकैत ने कहा कि देश को अब एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। जिस तरह से कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन चलाता, उसी तरह से अग्निपथ आंदोलन भी चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कृषि कानून के बाद अब अग्निपथ योजना को लेकर किसानों की तरह ही कोई बड़ा आंदोलन दिल्ली में चल सकता है और हजारों लाखों ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिससे भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का विवादित फैसला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बोला 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से कर सकती है शादी, हिंदुओं की शादी पर लगाई रोक। यह दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम लड़कियों की शादी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक विवादित फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि 16 साल से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती है। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि 16 साल की लड़की को पति संग रहने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिमों का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधीन होता है। इसके तहत कोई व्यक्ति जो यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है वह निकाह के योग्य माना जाता है। साथ ही ये भी स्पष्टीकरण है कि यदि सबूत मौजूद नहीं है तो 15 वर्ष की आयु को निकाह योग्य माना जाता है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार है। दरअसल आपको बता दें कि वैसे
18 साल शादी की उम्र है, लेकिन मोदी सरकार ने 18 की बजाय इसको 21 करने का प्रस्ताव भी रखा था। लेकिन अब हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने किस तरह से मुसलमानों को लेकर विवाद फैसला सुनाया, यानी हिंदू की लड़की है तो वह 18 साल के बाद ही बालिक होगी और मुस्लिम की लड़की है तो वो 16 साल के बाद ही शादी कर सकती है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार पर भड़के कन्हैया कुमार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार के एक एक मंत्री जिस तरह से अग्निपथ योजना के फायदे गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वह कुछ बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने सरकार पर तंज कसते हुए युवाओं के भविष्य की चिंता जाहिर की है। कन्हैया कुमार ने कहा कि रक्षा मंत्री 3 बदलाव का ऐलान कर रहे हैं, 3 बदलाव करके भी रक्षा मंत्री सीरियस नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर नौजवान हमारे जो 5-5, 6-6 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 4 साल नौकरी करने के बाद जब वह वापस आएंगे, सेना से रिटायर होकर आएंगे, तो आखिरकार उन्हें कौन नौकरी देगा? और नौकरी जो राज्य सरकारें देने की बात कर रही हैं, जब लाखों की संख्या में ये लोग सेना से रिटायर होकर आएंगे, तो इन्हें कैसे दी जाएगी? और जो लोग सेना की तैयारी नहीं करते हैं, वो अन्य चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो उनको फिर नौकरी कैसे सरकार देगी? तो राकेश जो है कन्हैया कुमार ने ये बड़ा हमला जो है मोदी सरकार पर अग्निपथ योजना को लेकर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली बार की ओर, तो बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। जेडीयू बीजेपी का टूट सकता है गठबंधन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के विरोध में बिहार में भारी बवाल के बीच अब सियासी तनातनी भी बढ़ गई है। प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर हमले के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा संभालते हुए संजय जायसवाल पर हमला किया था। दोनों पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजी अब तीव्र पकड़ती जा रही है। बीजेपी ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मन में बहानेबाजी है तो जेडीयू अपना अलग रास्ता देख सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार चल रही है और राजद अलग है। राजद ने कई बार नीतीश कुमार को ऑफर दिया कि आप बीजेपी से गठबंधन तोड़कर हमारे साथ आ जाइएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बिहार में कभी भी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है और सरकार गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असुद्दीन ओवैसी बोले जिस दिन कांग्रेस खत्म होगी उस दिन मोदी भी हारेंगे चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि AIMM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने रविवार को दावा किया है कि कांग्रेस अब निहायत कमजोर हो गई है, उससे कुछ नहीं होने वाला है, साथ ही देश से कांग्रेस का खात्मा होने पर नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाएंगे। ये बातें असुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। रांची में मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से निष्कासित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने आए ओवैसी ने यहां मांडर के चन्हो ब्लॉक में अपनी चुनावी जनसभा में दो टूक कहा कि अगर कोई भाजपा को नरेंद्र मोदी को जीत दिला रहा है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। ये कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं कि इनके नेता को दिल्ली में ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो 100 लोग को दिल्ली में जाम नहीं कर पाते हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी भारत से खत्म हो जाएगी उसी दिन नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें असुद्दीन ओवैसी ने कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में आज फिर से ईडी ने की पूछताछ, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। यह दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी आज राहुल गांधी से फिर से पूछताछ करेगी। गौर हो कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने ईडी से अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए उन्हें 17 से 20 जून तक पूछताछ के लिए पेश होने से छूट देने का अनुरोध किया था। ईडी ने राहुल गांधी के इस अनुरोध को मान लिया था। वहीं कांग्रेस ने कहा कि युवा विरोधी अग्निपथ योजना और राहुल गांधी को निशाना बनाने की मोदी सरकार के प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ देश भर में पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सोमवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधित्व मंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करेगा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी सांसदों के साथ कथित दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न को उनके संज्ञान में लगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश के मौलानाओं से डरी केंद्र की मोदी सरकार ने बांग्लादेश के 6 मौलानाओं को किया ब्लैकलिस्ट। यह दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार अब मुस्लिम धर्म गुरुओं से बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उसे लगता है कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म इनके कहने पर अपना सकता है। इसी को लेकर मोदी सरकार बीते कई साल से मौलानाओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब मोदी सरकार ने बांग्लादेश के 6 धर्म गुरुओं और एक गायक को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन सभी पर असम और देश के दूसरे हिस्सों में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होने और युवाओं को कट्टर बनाने के लिए उकसाने का आरोप है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने असम पुलिस की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की है। असम पुलिस अंसरुल्ला बांग्ला टीम की जांच कर रही थी, जिसमें ये बात सामने आई कि धर्मगुरु युवाओं को कट्टर बना रहे हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक असम पुलिस की जांच में ये भी बताया गया है कि ये सभी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे और टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार किया। लोगों ने इनके कहने पर जो है इस्लाम धर्म को भी अपनाया और इसी से पूरी तरह से असम की बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डर गई और इन लोगों ने सोचा कि असम में कहीं मुसलमान ज़्यादा लोग ना बन जाए और हिंदू धर्म को ज़्यादा लोग ना छोड़ दें, इसीलिए इन्होंने इन 6 मौलानाओं को ब्लैक लिस्ट कर दिया, यानी अब ये भारत की यात्रा नहीं कर सकते और भविष्य में आगे भारत आ भी नहीं सकते। अगर ये भारत आते हैं तो इन पर मोदी सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है और गलत तरीके से NSA लाकर जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।